भी अपने आप गाड़ी चल रही है पीछे, में गाड़ी गिर गई और वो उसको निकाल रहे हैं देखो सामने। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है भाई, और आज आपका भाई है भाई सोनमार्ग में। सोनमार्ग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई, मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो पीछे ऊंचे पहाड़ है ना उनके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, तो ज़बरदस्त सीन है भाई, बहुत प्यारी जगह है ये। भाई अभी जैसे ही हम सोनमार्ग से आके निकले हैं ना, तो वहाँ पे जाम मिला रास्ते में। जाम क्या है, बीच में ना मिलिट्री ने गाड़ियाँ रोक रखी हैं, एक साइड की गाड़ियाँ निकाल रहे हैं पहले सारी, दूसरी साइड से जो नए साइड से गाड़ियाँ आ रही है ना वो सारी निकाल रहे हैं। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रोक दी है, देखो पूरा काफिला रोक दिया है ये, वो देखो वो पीछे तक रुका हुआ है सारा काफिला। भाई ये सामने जो पॉइंट है ना, ये है बालटाल, जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है हेलीकॉप्टर के जरिए। ये वो हेलीपैड वाली जगह है जहाँ से आप अमरनाथ जा सकते हो हेलीकॉप्टर के जरिए। इस जगह का नाम है बालटाल, और हमें जाना है कारगिल। कारगिल से होते हुए जाएंगे ले, 341 किलोमीटर अभी यहाँ से। बीच में आएगा भाई कारगिल, द्रास, गुमरी, ये सारा कुछ आगे बीच में आता है, तो चलते हैं आगे यहाँ से। सामने खड़ा जवान पानीपत से आई है, और अभी मिलिट्री का काफिला चला हुआ है यहाँ पे, इसलिए हमारी गाड़ियाँ साइड में लगा दी हैं। तो काफिला निकलेगा, उसके बाद हमें एंट्री मिलेगी आगे जाने की। भाई अभी मैंने आपको जो फौजी भाई दिखाया था ना, हरियाणा पानीपत से था, वो देखो पूरा जाम लगा हुआ था भाई। भाई ने ना बीच में से हमारी गाड़ी निकलवाई, जैसे उसने बोला भी पूरे जाम से अकेली गाड़ी हमारी निकलवा दी बाहर, और हम जा रहे हैं लेह की तरफ, निकाल दी गाड़ी अकेली गाड़ी। आगे मैं ट्रैफिक दिखाऊंगा आपको, कोई जाने वाली गाड़ी नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही है, बाकी सिर्फ आने वाली है अभी तो फिलहाल। तो पहले आपने भी देखे होगी फोटो में, वीडियो में, किसी में, अब देखो लाइव चट्टाने किस तरह की है, खड़ी चट्टाने एकदम बिल्कुल तिखी, अगर ऊपर से कोई चीज गिर जाए भाई तो उसको वैसे ही फाड़ देंगे, इस तरह की चट्टाने हैं ये। अभी भाई जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, ये है जो जिला पास, जो जिला पास के बाद आती है जीरो पॉइंट, ये जीरो पॉइंट जगह है सारी। और ये देखो यहाँ पे लोग स्कीइंग कर रहे हैं पीछे, जो जिला पास हमने क्रॉस कर दिया, जीरो पॉइंट पर खड़े हैं। दिखाता हूँ आपको यहाँ के एक बार किस तरह से बर्फ़ पड़ी है यहाँ पे। कुछ बर्फ़ के ग्लेशियर थे भाई जो पीछे चले गए, कुछ अभी ये हैं। जीरो पॉइंट था जो अभी, वो वहाँ बैठ के हमने मैगी वगैरह खाई थी, वहाँ से आगे निकल चुके हैं लद्दाख की तरफ। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी भी आगे की, आगे भी जो भी कुछ आएगा वो भी सारा आपको दिखाएंगे व्यू। यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है भाई, चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो भाई जो जिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट की ऊंचाई पर है अभी हम, और ले यहाँ से 326 किलोमीटर है, कारगिल है 96 किलोमीटर। खूबसूरत व्यू, वेलकम यू टू लद्दाख। ये है भाई जोजिला पास, ओ यार खर्चा दोबारा बना यार सारी, जोजिला पास जीरो पॉइंट। तो भाई ये है जीरो पॉइंट का बोर्ड, जोजिला पास देख सकते हैं आप, 11,649 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ जोजिला पास पर भाई अभी एक टनल का काम चला हुआ है, जब वो टनल बन जाएगी तो ये रास्ता हमेशा के लिए खुल जाएगा, मतलब 12 महीने के लिए खुल जाएगा। सर्दियों में ये अक्सर बंद रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, बर्फ के ग्लेशियर होते हैं, इसलिए जब ये टनल का काम पूरा हो जाएगा तो 12 महीने ये रास्ता खुला रहेगा, जब भी आप श्रीनगर से लद्दाख जाओगे हमेशा आपको रास्ता खुला मिलेगा। भाई ये देखो श्रीनगर से ले ले वाले हाईवे पे ये ट्रक नीचे गिरा हुआ पहाड़ी से, बिल्कुल नीचे गिरा भाई, लगता नहीं इसमें कोई बचा होगा, और सामान सारा मतलब ट्रक भी नीचे पड़ा है, इनका कोई निकालेगा नहीं भाई, इतने टूट फूट जाते हैं ये देखो इसकी बॉडी,
बिल्कुल ख़त्म हो गया भाई। अभी हमने वेलकम टूरिस्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल में एंट्री की है, तो यहाँ से चलेंगे कारगिल के अंदर। ये मेन गेट है कारगिल का, जब आप श्रीनगर साइड से आओगे तो रास्ते में आएगा। काफ़ी सारा सफ़र तय करने के बाद भाई अभी हम पहुँचे हैं द्रास। ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ये है द्रास की मार्केट। छोटा सा शहर है ये, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, मगर ज़रूरत का सामान यहाँ सारा मिल जाता है जो भी लेना हो। ये देखो भाई जैसे ही द्रास पहुँचे ना पहाड़ों ने अपना रंग चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको देखो पहाड़ किस तरह के दिखेंगे, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन पहाड़ दिखना शुरू हो गया सामने। और जो पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे ख़त्म होना शुरू हो गए भाई यहाँ पे। भाई अभी हम पहुंचे हैं कारगिल वार मेमोरियल। ये देखो यहाँ पे कारगिल में है ये। कारगिल से यदि आप श्रीनगर की साइड से आओगे थोड़ा कारगिल से पहले पड़ेगा, तो वो देखो भारत का झंडा पीछे आपको दिखाई देगा। अभी दिखाते हैं, पिछली बार भी मैंने दिखाया था, अभी भी दिखाएंगे आपको कारगिल वार मेमोरियल अंदर जाके। पिछली बार हमें अंदर का वीडियो बनाने नहीं दिया था, इस बार पता नहीं बनाने देंगे या नहीं। वो सामने है टाइगर हिल, वो देखो भाई सबसे ऊंची चोटी है इस जगह के आसपास की। भाई अभी हमने भाई को पूछा है, वही चोटी है टाइगर हिल, हमें कंफर्म किया है उसी चोटी पर लड़ाई हुई थी कारगिल की, बिल्कुल उसके साथ ही ये बनाया हुआ इन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल। और ये है यहाँ की पार्किंग, 30 रुपये पार्किंग के लगे हैं यहाँ पे भाई। गाड़ी हमने यहाँ पार्क की है, ये देखो बिल चारों तरफ पहाड़ों पर बर्फ़ है ऊपर। यह भाई कारगिल वार मेमोरियल, देख सकते हैं आप कितना प्यारा बनाया हुआ है उन्होंने। बहुत साइड में सारे शहीदों के वो लगे हुए हैं बोर्ड, कौन कौन यहाँ पे शहीद हुए हैं उनके बारे में सारा कुछ, फौजियों के बारे में लिखा हुआ है। बाकी इस तरह का व्यू है यहाँ पे, सामने है तिरंगा, ये सामने यहाँ पे जोत जली हुई है सामने। अभी हम वार मेमोरियल पर खड़े थे और अंशु को एक डायलॉग याद आ गया, वो डायलॉग सुनाएगा आपको, वो डायलॉग सुनाते हैं। अंशु सुना, वो डायलॉग क्या था वो? तुम हो थोड़ी कूल कूल, मैं थोड़ा गुस्से वाला, तुम सुनते गाने बोली उड़ गई, और मेरा उस्ताद है सिद्धू मूसे वाला। हाय बल्ले बल्ले, मेरा उस्ताद है सिद्धू मूसे वाला। वहां ना सामने नदी में गाड़ी गिर गई और वो उसको निकाल रहे हैं, देखो सामने। भाई अभी जो आपको मैंने पीछे गाड़ी दिखाई थी नदी में गिरी थी, ये अभी थोड़ी ही देर पहले गिरी है, और इसमें टोटल 5 लोग थे। अभी 3 लोग को तो हॉस्पिटल में ले गए ये निकाल के, 2 लोग अभी गायब हैं, पानी में ही बह गए वो। तो कुछ लोगों को पूछा हमने, उन्होंने बताया कि हमें नहीं पता सर इसमें कितने लोग थे, कुछ पता नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या था। मगर कुछ यहाँ लेडीज़ भी बैठी हैं जिनके परिवार वाले थे वो, लगभग 1 घंटा पहले ये हादसा हुआ है यहाँ पे। तो बहुत ही बुरा हुआ भाई, सड़क के ऊपर से सीधी गाड़ी नदी में गिर गई। तो चलते हैं अभी, हज से आ रहे थे ये लोग, हज गए थे तो वहाँ से आ रहे थे भाई। तो भाई जो भी यहाँ आए ना, तो थोड़ा गाड़ी धीरे चलाए और ध्यान से चलाए, ऐसा ना हो किसी को भी थोड़ा बहुत, देखो दोपहर का टाइम, खाना खाने के बाद नींद आती है ना एक बार, तो इसलिए आप थोड़ा संभल के चले, यहाँ रास्ते बहुत ख़तरनाक है भाई। अभी पहुँच गए भाई कारगिल, ये है कारगिल शहर। जो वार मेमोरियल था उससे लगभग 50 किलोमीटर आगे पड़ा है ये। यहाँ से हमने कारगिल क्रॉस कर दिया, साथ ही नदी की दूसरी साइड में चले गए हम यहाँ से। अब हो गया भैया कारगिल क्रॉस, बोलो बजरंग बली की जय। ये सामने देखो रंग बिरंगे पहाड़ आ रहे हैं सामने,
कहीं लाल रंग के पहाड़ आ जाते हैं, कहीं पीले रंग के पहाड़ आ जाते हैं, और कहीं ग्रीन कलर के पहाड़ आ जाते हैं। अजीबो गरीब से रास्ते हैं ये है भाई। कुदरत कुदरत जब आप देखोगे ना, कहीं घर से बाहर निकलोगे तभी आप देख पाओगे कि दुनिया में है क्या क्या है। जो लोग लद्दाख आते हैं उनको पता है, मैं भी दूसरी बार आया हूँ भाई। पहले तो एक ही बार आया हूँ पिछले साल, उससे पहले कभी नहीं आया था। तो इसके बाद ही हमें पता चला, देखो लद्दाख में एक से एक चीज़ है देखने की, अलग ही चीज़ कि ये भी एक दुनिया है भाई। किस तरह से ये लोग यहाँ पे अपना गुजर बसर करते हैं। और सामने का उस पहाड़ का कलर देखो, अब रेड कलर का पहाड़ आ गया देखो सामने ऊपर। अभी है भाई यहाँ से खानकराल है 9 किलोमीटर, बाकी पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हुए हैं अभी, हमें तो पढ़ने भी नहीं आते। बाकी ले है अभी यहाँ से 164 किलोमीटर दूर, अभी भी काफी सफर पड़ा है भाई। और टाइम अभी हुआ है 4 बज चुके हैं शाम के, लगभग नेविगेशन के हिसाब से जो हमें दिखा रहा है वो 7:15 बजे के आसपास का टाइम दिखा रहा है, 7:30, 7:30। अगर बीच में रुकेंगे चाय वगैरह पीने के लिए तो टाइम बढ़ जाएगा भाई, नहीं तो 7:30 के आसपास ले पहुंचेंगे। भाई यहाँ से पहाड़ों का व्यू देखो, कितना शानदार व्यू है। देखो सड़कें किस तरह से गई हुई है नीचे की तरफ। अभी है हम लद्दाख से 41 किलोमीटर दूर, बस ले पहुंचने वाले हैं भाई। तो ले पहुंच के आज करेंगे भाई किसी होटल में अच्छे से रेस्ट। कल आपको दिखाएंगे वहां का माल रोड वगैरह जो भी है, सुंदर सुंदर जगहें वो आपको कल दिखाएंगे सारी। और आज का भी जो सफ़र है ना हमारा श्रीनगर से ले का, बहुत बढ़िया सफ़र है भाई ये। बहुत बढ़िया रास्ता है, सारा हाईवे बना हुआ है टू वे, मगर साफ सुथरा रोड है, कोई दिक्कत नहीं है बीच में। आप बच्चों के साथ आओ, बूढ़ों के साथ आओ, जैसे मर्जी आओ, ले तक आप बड़े आराम से आ सकते हो। गाड़ी से बाहर निकलोगे जो हाई एल्टीट्यूड पॉइंट है वहाँ पे थोड़ा सा ठंड रहती है और तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़, उससे थोड़ी दिक्कत आएगी। बाहर उतरोगे तो ऑक्सीजन की कमी महसूस होएगी। यदि आप गाड़ी में हो और एसी आपकी गाड़ी का चला हुआ है तो इतनी ऑक्सीजन की दिक्कत आपको नहीं लगेगी। तो भाई मज़ा आ रहा है, फुल एंजॉय कर रहे हैं। एक से एक पहाड़ आ रहे हैं, अलग अलग कलर के पहाड़ आ रहे हैं बीच में। बाकी सब बच्चे भी मजे कर रहे हैं और हम भी मजे कर रहे हैं। अंशु मजा आ रहा है ना बेटा? बहुत ज्यादा, बहुत मजा आ रहा है भाई सबको। और ये है अंकुश भाई, अंकुश तेरी क्या फीलिंग है अभी बता, नहीं तो फिर डाकले से मैसेज आएगा भाई अंकुश कुछ बोला नहीं, उसको बोलना पड़ेगा ऐसा थोड़ी है। लेकिन मेरे उम्मीद भाई को कोई मैसेज दे, उन्होंने कह रहा भाई अंकुश कुछ बोलना नहीं, कुछ बोल गुरु भाई। भाई उम्मीद घूमने भाई उम्मीद अंकुश शर्मा वीडियो में बोलता नहीं कुछ। आओगे तो बढ़िया जगह है, देखो ये है थोड़ा सा पहाड़, तो बहुत ज़्यादा है, दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ये फील होएगा यार बहुत ज़्यादा पहाड़ है, बहुत लंबा रास्ता है, पर फिर भी बढ़िया जगह है, एक अलग ही दुनिया है यहाँ की बाकी एरिया से, बाकी इंडिया से बढ़िया जगह है ये। ये है मैग्नेटिक हिल पॉइंट, यहाँ देखो पीछे ऊंचाई है और ये गाड़ी के जैसे ब्रेक छोड़ेंगे ना गाड़ी पीछे की तरफ आएगी, देखो छोड़ दे, ये देखो गाड़ी पीछे की तरफ आएगी और गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल है इस टाइम, चलने दे गाड़ी चलने दे, देखो गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल है, ब्रेक भी ऊपर भी पैर नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है गाड़ी भाई, पीछे जा रही है। और इस रोक भाई, रोक अंकुश, इस सड़क पर ट्रैफिक है इसलिए गाड़ी रोकनी पड़ रही है बार बार, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रही है। मैग्नेटिक हिल पॉइंट है ये, पीछे जो पहाड़ है ना उनमें कुछ मैग्नेटिक ऐसा है जो इस गाड़ी को पीछे खींचता है, सिर्फ इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट आपको दिखेगा यहाँ से खींचता है पीछे की तरफ, बस एक ही पॉइंट है ये, छोड़ दे। ये देखो भाई अपने आप गाड़ी चल रही है पीछे,
ऑटोमेटिक पीछे जा रही है गाड़ी। और यहाँ बीच में ऊंचाई है पीछे, यहाँ पे जहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना ब्रेजा, यहाँ पे ऊंचा है पीछे। अभी गाड़ी का इंजन बिल्कुल बंद है इस टाइम, और न्यूट्रल पे हमने गाड़ी की थी, पीछे की तरफ जा रही है गाड़ी। आगे भी छुड़ाई है, देखो आगे नहीं जाएगी गाड़ी, पीछे भी छुड़ाई है बीच में। ये है भाई पत्थर साहिब गुरुद्वारा। अभी हम जब श्रीनगर साइड से आते हैं ना भाई, तो रास्ते में ही पड़ता है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। 11,533 फीट की ऊंचाई पर है ये। आगे पार्किंग, आगे पार्किंग में लगाओ गाड़ी। यह है भाई गुरुद्वारा पत्थर साहिब। ये साइड में है पार्किंग, सारी पार्किंग एरिया है सारा। ये खड़ी अपनी गाड़ी। यहाँ भी गुरुद्वारा पत्थर साहिब में यहाँ पे दर्शन करेंगे, उसके बाद चलेंगे यहाँ से बाहर, कोई और जगह आपको दिखाएंगे। मगर अभी ये बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है, यहाँ पे दर्शन करते हैं पहले। भाई इस गुरुद्वारे की ना खास बात ये है कि यहाँ इस गुरुद्वारे को सारे को फौजी भाई हैंडल करते हैं, और इतनी ऊंचाई पर भी भाई इन्होंने गुरुद्वारा बना रखा है सरदारों ने। यहाँ पे भाई हिम्मत है सिखों की, यहाँ पे बहुत अच्छा। और यहाँ पे भी 24 घंटे लंगर फ्री चलता है, कोई आओ, ट्रक ड्राइवर आओ, गाड़ी वाला आओ, कोई भी भाई, प्राइवेट आओ, सरकारी आओ, सब के लिए फ्री है। तो बहुत अच्छी जगह है ये। अभी यहाँ अंदर तो हम यहाँ की फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है भाई, अंदर तो नहीं जाएंगे, फ़ोटो वीडियो नहीं करेंगे। बस यहीं से आपको बता देते हैं कि हमने अभी टाइम हुआ है शाम के 7:18 पे हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ दर्शन करते हैं, उसके बाद चलेंगे यहाँ से आगे लेह की तरफ। लेह में रूम वगैरह लेके वहाँ पे हम अपना आज नाइट स्टे करेंगे। भाई अभी का सीन ये है, रात के 8 बज चुके हैं, और अभी हम गुरुद्वारा पत्थर साहिब के दर्शन करके बाहर आए हैं। और अभी चलेंगे भाई यहाँ से होटल की साइड, देखते हैं कोई होटल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या रहेगा लद्दाख में, जो भी रहेगा रूम पे जाके आपको बताएंगे। आज भी जो होटल लिया है हमने वो ये होटल है। अभी चलते हैं, जो रूम है हमारा वो है 2nd फ्लोर पर। ये है भाई रूम, रूम दिखाता हूँ आपको अंदर से। ये है देखो रूम, और दूसरा रूम है ये, दूसरा रूम दिखाता हूँ आपको। दूसरा रूम ये है भाई, रूम बहुत बढ़िया भाई, बहुत खुले डुले रूम है, शानदार रूम है बिल्कुल, रूम में कोई कमी नहीं है, प्यारे रूम है।